इतना काम करने के बावजूद भी लोग बोलते हैं क्या घर में तुम काम ही करती हो। आप लोग बताइए, घर में कोई काम नहीं होता है, इतना ज़्यादा काम करते हैं फिर भी हमारा नाम नहीं होता है, क्या करूँ अब मैं समझ हेलो में। फ्रेंड, कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जी हाँ दोस्तों, मैं धीरे इसलिए बोल रही हूँ कि मेरा बाबू सोया हुआ है। आज दो दो ब्लॉग शूट कर ली, क्यों की हूँ। और बहुत लोगों का कमेंट आ रहा था कि मतलब उधर पलंग रखे थे ना, हम खाना वाना पीना खा लिए हैं, तो दोस्तों उधर पलंग हम रखे थे साइड में, आप लोग की दिखा दे रहे हैं, वहाँ पर रखे थे। तो बहुत लोगों का कमेंट आ रहा था, कमेंट भी हमारे पति भी फ़ोन करके बोले कि उधर से पलंग हटा दो, पापा से बोलो हटाने के लिए। हम खुद से कोशिश कर रहे हैं हटाने के लिए, फाइनली हटा दिए हैं। पूरा ब्लॉग देखिएगा कैसे हम अकेले हटाएं, आप लोगों को विश्वास नहीं होगा। कोई भी काम करने मतलब करते हैं ना, तो मेहनत से लगन से करते हैं ना, तो कोई भी काम अकेला हो जाता है। हम अकेला कर रहे हैं, कौन कहता है कि अकेला कुछ नहीं हो सकता, अकेला सब कुछ होता है, सब कुछ हासिल हो सकता है, जब आपका अंदर से मतलब मन रहे, लगन रहे, मेहनत रहे करने के लिए, तो हो जाएगा, अकेले ही काफ़ी है करने के लिए। दोस्त फाइनली उधर से इधर ला दिए हैं, क्योंकि बाबू चढ़ कर उधर छलांग मारता था, मतलब गिरने होने का डर था, इसके वजह से इधर ला दिए हैं, देख सकते हैं। तो फ्रेंड हम देखिए, हम पलंग अकेला हटा रहे हैं, क्यों हटा रहे हैं, इतना पूरा उधर रेंगनी था, पूरा रेंगने के पहले काट दिए, वो ब्लॉग शूट नहीं किए हैं, क्यों नहीं किए, बहुत लंबा ब्लॉग हो जाएगा, इसके लिए हम शूट नहीं किए थे। फाइनली अभी छत पे कोई नहीं था, तो इसलिए हम सोचे कि अकेले ही हटा देते हैं। हमारे पतिदेव फ़ोन के करके बहुत डांटे कि बाबू को उधर ना खिलाया करो, हम उधर मतलब मैं बैठो, तो हम सोचे कि पलंग इधर क्यों नहीं कर देते हैं, और फ़ोन करके बोले कि पलंग को उधर से पापा से हटवा दो। तो हम बोले कि पापा तो है नहीं अभी हमारे घर पे, अब कब आते हैं, कब नहीं आते हैं, खाना खाने के समय टाइम से आते हैं, जब खाना खाते हैं तो हम बोलेंगे हटाने के लिए, तो बोलेंगे क्या मतलब उनको अच्छा नहीं लगता है खाने के समय पर कुछ बोलना, इसके वजह से हम मतलब उनसे कुछ बोलना नहीं चाहती हूँ, गड़बड़ ऐसा कुछ अभी कोई था नहीं। इतना ज़्यादा गर्मी लग रहा है, धूप तो निकला नहीं है फिर भी गर्मी बहुत ज़्यादा लग रहा था, कमर में इतना ज़्यादा दर्द हो गया ना कहने लायक नहीं यार, जो कि बता सकते हैं। पता है उधर रखे थे ना, तो हमारे बाबू एक वीडियो में मतलब छलांग लगाया था कूदने के लिए, जो कि हमारे पति थे वो वीडियो देख लिए और इतना डांटने लगे कहने लायक नहीं, इसके वजह से हम सोचे ना पलंग को उधर से इधर कर देते हैं। पलंग तो फाइनली पूरा टूट टूट गया है, टूटा नहीं है, फाइनली हम दो तीन लोग बैठेंगे तो कुछ नहीं होगा और सो भी सकते हैं, ये बारिश की वजह से और ज़्यादा ख़राब हो गया है, फाइनली नीचे से बहुत ज़्यादा टूट गया है। उधर से ईटा लगा दे रहे हैं कि नीचे से थोड़ा ऊँच रहेगा ना, तो झाड़ू उड़ू लगाने में अच्छा रहेगा, जो कि देखिए फाइनली हम पलंग लगा दिए और वहाँ से दो तीन ईंटा बचा था जो उधर रखे थे ना, एक एक ईंटे रखे थे, तो हम सोच रहे इधर रखे ना तो दो दो ईंटे करके रखे कि इधर झाड़ू भी लगाने में अच्छा रहेगा। ये पलंग पूरा ख़राब हो गया, आप लोग सोच रहे हैं कि दो दो पलंग फेंका हुआ है, दोनों पलंग ख़राब हो गया, रखने की जगह नहीं है, इसकी वजह से इसको लगाया गया कि थोड़ा बहुत मतलब काम हो सकता है, कुछ कुछ रख सकते हैं, कोई आए एक दो लोग तो इस पर बैठ सकते हैं, इसको वजह से ये पलंग रखा हुआ है। ये पलंग है हमारी सासू माँ का, जो कि सासू माँ हमारी रही नहीं इस दुनिया में, तो देख सकते हैं दो दो ईंट लगा दिए हैं और इधर इतना ज़्यादा कचरा हो गया था ना इसके रखने से, कहने लायक नहीं यार, तो हम सोचे कि एक कचरा तो को बाद में साफ पलंग करेंगे। अकेला हटा दिए, वहाँ से यहाँ कर दिए, कमर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, बहुत पेन हो रहा है, और सर में भी दर्द, इतना ज़्यादा गर्मी हो रहा है कहने लायक, धूप निकला नहीं है फिर भी अंदर ही गर्मी है। देखिए दो दो ईंटें लगा चुके हैं और उधर से इधर ला दिए, क्यों लाए हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा, क्यों लाए हैं वहाँ से यहाँ, चूँकि दोस्तों पलंग ख़राब हो गया है, फिर भी हमारी सासू माँ का है, किसी का भी हो इज्जत करते हैं तो अच्छा रहता है। यहाँ से मेरा बोमा है ना ऊपर से, देख रहे हैं टंकी के ऊपर से ऊपर इस पे पानी गिरता है, लेकिन हम गिरने नहीं देते हैं, जल्दी ही बंद कर देते हैं। फाइनली दोस्तों चारों पाँव तो दो दो ईंटें लगा दिए, इसको करेंगे बाद में सफाई, जो कि हमारा हालत बहुत हो गया है, बहुत ज़्यादा डैमेज, यहाँ पर बर्तन वर्तन धो दिए हैं, पूरा काम कर चुके हैं घर के। बाबू अभी सोया था, दवा ववा खा लिए हैं, चलते हैं थोड़ा सा आराम करने के लिए। पंखा नहीं है, पंखा नहीं है, लाइट नहीं है, सॉरी, ऐसा दो दो ब्लॉग शूट कर लिए हमने, धीरे से बंद करते हैं नहीं तो वो जग जाएगा यार, देख कितना ज़्यादा पसीना पसीना हो गया है हमारा सब। घर में अब नहाएंगे, बाबू सोकर उठेगा, हम भी थोड़ा आराम कर ले रहे हैं, लाइट आएगा तो मोटर चालू करके आराम से नहाएंगे, क्योंकि धीरे बोल रहे हैं कि हमारा बेटा ना उठ जाए, ठीक है हम भी जा रहे हैं थोड़ा सा आराम कर लेने के लिए। फ्रेंड्स एक छोटा सा वीडियो हमारा अच्छा लगा था, लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा दोस्तों, और दोस्तों इतना ज़्यादा मेहनत किए हैं तो प्लीज़ एक तो लाइक बनता है ना, एक कमेंट बनता है ना, प्लीज़ आप लोग कर दीजिए, एक लाइक कमेंट से आप लोग पता है आप लोग हमारा दिल जीत लेंगे, अच्छा लगता है लाइक कमेंट करते हैं ना, तो वीडियो बनाने का मतलब जो होता है ना मेहनत,
उस सारा उसूल हो जाता है जो एक लाइक कर देते हैं लोग, तो सपोर्ट करते हैं लोग आपको, ऐसे ही प्यार दुलार आशीर्वाद बनाए रखिए आप लोग, ऐसे ही प्लीज़ सपोर्ट करते रहिए कि हम आगे बढ़ते रहें और बहुत लोगों का मुंह बंद हो जाए जो कि हमारे ऊपर बोलते हैं हंसते हैं, उन लोगों का आप लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत है जो कि हमारे गला का देख सकते हैं लाल की लाली है। तो फाइनली दोस्तों एक छोटा सा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में बताइए, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा। बाय।